I'll be showing you what's in my bag, and let me tell you, it's a lot. And while traveling, I carry all the necessities with me. अच्छा लग रहा है, मम्मा इतनी बड़ी मेंटोस, मम्मी के चेहरे से भी बड़ी है ये तो. Hello beautiful souls, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. And I'm pretty sure आप सबने notice तो कर लिया होगा, हम हमारे usual environment में नहीं है. वो इसलिए है because we are at the airport. So अभी मम्मी बोल रही थी यार तो बहुत मोटी हो रही है, क्या करूँ मैं, सुबह जल्दी उठती हूँ तो यही होता है. So अभी we are all set to go for our flight. हमारा लगेज भी यहाँ पे पापा ने निकाल दिया. So now we'll be saying our final goodbyes. So अभी हम जा रहे हैं चेक इन करने. बहुत मुश्किल से पापा को मैंने गुड बाय बोला, छोड़ी नहीं रही थी मैं तो पापा को, बट फिर भी फाइनली वी आर गोइंग इनसाइड नाउ. मेरी प्यारी प्यारी मम्मी, आई एम जेलस ऑफ हर हेयर, इट्स लुकिंग वेरी गुड. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आवर गेट, मतलब चेक इन करने के लिए, लगेज देने के लिए. ओके सो वी आर इनसाइड. अभी हम जा रहे हैं हमारा लगेज देने, एंड फिर हमें टिकट भी मिल जाएगी. If you cannot tell, मुझे बहुत नींद आ रही है. बाय बाय. अभी हमें जाना ही 44. क्या 44? गेट नंबर 44 किधर है वो हमें नहीं पता, तो अभी हम ढूंढते हैं. तो अभी हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सब हो गया. नाउ वी आर फ्री एंड अभी हम लाउंज में जा सकते हैं. मैं कुछ ज़्यादा ही ख़राब दिख रही हूँ मम्मी, और आप इतने अच्छे लग रहे हो. एंड करेंटली हम ड्यूटी फ्री में भी है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ. और यहाँ से भी हमें थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी है, तो मैं आपको कुछ महंगे महंगे ब्रांड्स भी दिखा दूँगी. चॉकलेट, वाओ इतनी बड़ी मेंटोस, मम्मी के चेहरे से भी बड़ी है ये तो. ये भैया के लिए वीगन किट कैट. ये वाली चॉकलेट्स बहुत अच्छी होती है, आई लव दीस. M&M's, ओ स्नीकर्स. ये देखो एकदम ऐसा लग रहा है सोना या चांदी बेच रहे हैं. इतनी बड़ी चॉकलेट. यहाँ पे अरमानी है, वहाँ पे शनेल है, वहाँ पे नार्स है, और गुची का है. ड्यूटी फ्री को हमने कर दिया बाय बाय, हमें कुछ इतना ढंग का लगा नहीं. चॉकलेट जितनी थी उसका ट्रिपल या डबल प्राइस था. मतलब जो फरेरो हमें 450 की मिलती है, वो वहाँ पे 1200 की थी. तो हमने कर दिया बाय बाय, कहीं और से लेंगे चॉकलेट. अभी हमें भूख लग रही है एंड थोड़ा रेस्ट भी करना है, तो अभी हम ढूंढ रहे हैं लाउंज कहाँ पे, वहाँ जाके बैठते हैं. अरे वाह मम्मी, क्रॉसवर्ड है, बुक खरीद सकते हैं. बुक लाई हूँ पर मैंने गलती खरीद ली. वाह इतने अच्छे बैग्स, अच्छे बैग्स. ओके सो अदानी लाउंज कहाँ है, आ गया, चलो. अच्छा लग रहा है, नाइस अच्छा लग रहा है. अभी हमने खाना खा लिया लाउंज में, हम निकल गए. एंड अभी मम्मी को मुझे बहुत नींद आ रही है, तो हम सोच रहे हैं कहीं पे वो जो लंबी वाली चेयर होती है वो ढूंढते हैं एंड वहाँ पे रिलैक्स करेंगे. इवन आई बॉट अ बुक, तो इसकी भी एक अलग कहानी है, पर वो मैं अपने शॉर्ट्स में शेयर करूँगी, तो ज़रूर वो भी देखना. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. मैं जादू बन गई हूँ, अब मैं धूप ले रही हूँ. सनग्लासेस रखी हैं आपने? हाँ सनग्लासेस रखी. चलो बैठते हैं अब जाके. तीन चार चीजें तो मैं भूल गई, तो बताया ही नहीं अभी तक ना. अच्छा हाँ. पासपोर्ट दिखा. क्या आप लोगों को पता है हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग ऑन अ ऑन है ना वी आर गोइंग ऑन अ मदर डॉटर इंटरनेशनल ट्रिप. ये चलो ये देखो. वाह तो आर व्लॉग कम्स टू एन एंड, बट इतनी जल्दी नहीं, बिकॉज आई विल बी शोइंग यू व्हाट्स इन माय बैग. एंड लेट मी टेल यू, इट्स अ लॉट. एंड व्हाइल ट्रैवलिंग आई कैरी ऑल द नेसेसिटीज विद मी.
एंड मम्मी का बैग तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मेरा बैग भी बड़ा है काफ़ी, मतलब ऐसे ये देखो ना एकदम ऐसे पिट्टू बैग है मेरा, पूरा भरा हुआ है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसमें क्या है, एंड आप लोग गेस करके मेरे को कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ व्हाट आई एम कैरिंग विद मी, माय हेडफोन्स। ये तो पहली बार मेरे साथ कहीं पे जा रहे हैं, सो दे आर वेरी एक्साइटेड। एंड इनको मैंने डेकोरेट किया ऐसी स्टिकर लगा के एंड रिबन लगा के। मम्मी बोल रही थी अगर तू रिबन लगाएगी ना तू मुझसे 5 फीट आगे खड़ी हो ना मैं तेरे साथ ही चलूँगी। फिर भी मम्मी सुबह से मेरे साथ ही चल रही है। एंड माय वॉच अभी अलग चलूँ क्या? इमिग्रेशन नहीं होता तेरा क्लियर अगर मैं तेरे साथ ही होती तो हो जाता है छोटे बच्चों का भी नहीं, नहीं मैं बोलूँगी मेरी मम्मी पीछे, मैंने हेडफोन लगाया इसलिए मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं आ रही। फोटो दिखा देंगे आपकी, वो देखो वो मेरी मम्मी है वहाँ पे और मैंने अपनी अंगूठियाँ पहनी है। बट नाउ व्हाट्स इन माय बैग, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लचर लगाया हुआ मैंने, बहुत सारी चीज़ें लिए बिकॉज हम बहुत सारे दिनों के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ माई फेवरेट टेंट एंड इट इज़ लाइक अ क्यूट लिटिल ट्रैवल फ्रेंडली साइज ऑल्सो। एंड ओके ये दिखाती हूँ आपको, दिस इज ग्लिटर, ये डाल डाल के बड़ा करते तो मेरा एक फेवरेट ग्लिटर था बट वैसे इतने बड़े पैलेट में था तो वो तो मैं रख नहीं सकती थी। एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी सिमिलर शेड टू दैट, तो लाइक मैंने ये रख लिया। अब बस मेरे को ये चिंता हो रही है खुल के गिर ना जाए पूरा, क्योंकि वैसे ही गिर के पूरा आधा तो ख़त्म हो चुका है ये, बट कोई बात नहीं गिरेगा नहीं, लेट्स होप दैट। और उस तो नहीं है यहाँ पे। एंड आप थोड़ा शांति से बैठ जाइए, कुछ खाने वाने के लिए ले लीजिए बिकॉज माई बैग इज़ वेरी वेरी बिग एंड इसमें बहुत सारा सामान है। सो यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप सब रबर बैंड काउंट करना कितने, ये हाई पोनी वाला रबर बैंड है, खतरनाक वाला मॉन्स्टर रबर बैंड, इससे हाई पोनी होती है। ये एक ऐसा क्यूट सा मैंने रबर बैंड लिया है ऐसे चोटी बनाने के लिए। देन आई ड्रॉप्स तो मेरे हैं इम्पॉर्टेंट, हाँ तो मैं आपके लिए कुछ कैरी नहीं कर सकती। एंड देन वी हैव नेल पेंट्स, वन टू, वी हैड वन मोर, थ्री। नेक्स्ट ये जो मेरे बाल हैं इनको सेट करने के लिए मैंने एक ही लिया है तो बस एक ये है। एंड देन दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट, लाइक आई बॉट दिस फ्रॉम आई डोंट रिमेम्बर द ब्रांड, डिज्नी से नहीं हमने H&M से खरीदा था शायद, हाँ उनका डिज्नी वाला कुछ आया था, तो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। देन ये सारी चीज़ें मम्मी ने या पापा ने किसने डाली है, मिस्ट्री साई बाबा का वो जो हमें शिरडी में मिला था, विभूति एंड पल्स। Now what else? Okay, so इसका मैं नाम नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं अभी थोड़ा सीक्रेट रखना चाहती हूँ, बट दिस इज़ माई फेवरेट सेंट एंड ये इत्र है ना, इत्र है एंड लाइक दिस इज़ टू गुड लाइक ये, एंड मैंने इतना यूज़ किया फिर भी ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सो या आई लव दिस एंड दिस इज़ लाइक अ हैंड वॉश वाला थिंग, यू जस्ट पुट वाटर इन इट एंड हाँ यू जस्ट पुट वाटर इन इट एंड इट फोम्स अप रियली नाइस, तो वो है। आई होप आप लोग रबर बैंड्स की काउंट कर रहे होंगे बिकॉज कमेंट्स में बताइए एंड जिसका सही होगा कमेंट उसको पिन किया जाएगा। ओके सो फर्स्ट चेन डन, दिस इज ऑल्सो डन। यहाँ पे साइड में मैंने कुछ डाला नहीं बिकॉज ऐसे खुल जाता और गिर जाता तो आई कॉन्ट टेक दैट रिस्क, बट दिस इज़ आर फर्स्ट चेन। इसमें ये तो मैं नहीं दिखाऊंगी, सरप्राइज है कुछ आपको दिखेगा, आपके सबके लिए सरप्राइज है आपको दिखेगा बाद में। ये पाउच है, इसमें क्या है, रबर बैंड्स, इसमें बहुत सारे रबर बैंड्स हैं और क्लिप्स हैं, जल्दी से देख लीजिए बताइए कितने रबर बैंड्स हैं, और इसके अंदर भी दो रबर बैंड्स हैं। नेक्स्ट इज दिस खतरनाक लुकिंग चीज़, इट इज़ एक्चुअली आई लैश कर्लर, तो इसी ना ऐसे करते हैं तो आई लैश कर्ल हो जाती है एकदम, जो अभी आपको दिख नहीं रही है वो आ जाती है और आधी निकल भी जाती है इतनी तो नहीं। एंड देन नेल्स,
पता नहीं मैंने नेल पेंट तो लगाई, फिर भी मैंने रखा है क्योंकि मेरे को मन था लगाने का. एंड देन माय सनग्लासेस तो मैंने ट्राई किए पर मेरे को इतने पसंद नहीं आए, बट ये मेरे पास है ऑलरेडी. मैं 4-5 सनग्लासेस तो लाई हूँ पर फिर भी मेरे को चाहिए एक पर्टिकुलर टाइप का, वैसा मिल ही नहीं रहा है. देन द शूज, ये क्या बोलते हैं इसका, हैंकी नैपकिन जो भी, ठीक है. फिर है मेरा आईडी कार्ड और मेरा वॉलेट, स्क्रंची, एंड बस यहाँ पे इतना ही है. इसको मैंने ज़्यादा फिल नहीं किया. ओ वेट, देयर इज मोर. माय फेवरेट बिस्किट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये. बस और रैंडमली मैंने खाने का ये थोड़ा बहुत रखा हुआ है बिकॉज आई लाइक टू मंच ऑन थिंग्स. तो नाउ दिस चेन इज़ वेरी फुल, तो गेट रेडी. फर्स्ट ऑफ ऑल माय आईपैड, ये भी पहली बार मेरे साथ कहीं जा रहा है इंटरनेशनली. देन ठीक है. देन आई बॉट दी स्टिकर्स फॉर माय जर्नलिंग या डायरी एंट्री या कुछ भी मैं करूँ तो उसको मैंने रख लिया. इट्स लाइक वेरी कन्वीनियंट, छोटू सा है. Then, my book, Her Radiant Curse. मैंने ये बुक नहीं पढ़ी अभी तक, तो पढ़ूंगी तो रिव्यू दे दूंगी मैं आपको. एंड देन अ डायरी जिसको अभी तक मैंने खोला भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, इसका उद्घाटन करेंगे हम थोड़ी देर बाद. तो ये मैंने बस बेसिकली डूडलिंग या कुछ लिखने के पर्पज़ से लिए और उसके लिए वो स्टिकर्स भी लिए हैं. एंड देन वन मोर थिंग फॉर द डायरी, मेरे वीक में क्या क्या होगा वो चिपकाने वाली चीज़, और ये छोटे छोटे पेपर रखे हैं मैंने चिपकाने के लिए. एंड ये तो यू नो स्टेशनरी का सामान भी बहुत सारा लिया है मैंने. एंड देन दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें ही यू नो मोस्टली मेन थिंग्स हैं. तो पहला ये चेन खोलते हैं, इसमें है पेंसिल कटा, ग्लू स्टिक अच्छा. हाँ वो पेपर है ना लाइन चिपकाने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज़ माय हाइलाइटर्स, दिस थिंग, अ पेंसिल, टू पेंसिल्स एंड वन पेन. सो बस दिस इज़ लाइक अ स्मॉल स्टेशनरी वाला थिंग. आई कुड नॉट फिट एनी एवरीथिंग इन दिस ऑल दो आई वॉन्टेड टू, बट कोई बात नहीं. एंड अगर आप लोग सोचें कि इसमें भी स्टेशनरी है तो आप गलत हैं बिकॉज इसमें है थोड़ा सा मेकअप का सामान. ये एक ब्रश है, द ओनली ब्रश दैट आई टुक विद मी. ये एक लिपस्टिक, मेरी क्लॉथी लिपस्टिक. एंड ये मैंने एक टिंट खरीदा है जो मेरे को ट्राई करना है, बट मैंने जो ये वाला टिंट रखा है उससे हो जाता है सब. देन अ नेल फाइलर, और ये हमारी फेवरेट दवाई डोलो, और एक ये रिंग रखी है मैंने, इसको लगा के मैं फोटो खिंचाऊंगी ऐसे करके. तो बस इस चेन में इतना ही सामान है. इतना सारा सामान लाई हूँ बेटा, अभी मैं दिखा रही हूँ तो मेरे को लग रहा है यार कम सामान लाई हूँ मैं, और भी ला सकती थी. बुक को अभी मैं बाहर ही रहने देती हूँ, पढ़नी है मेरे को. एंड मैं बुक लाई, बुक मार्क नहीं लाई, तो अब मैं अपनी फ्लाइट की टिकट को ही बुक मार्क की तरह यूज़ करूँगी. एंड ये भी एक चेन है हमारी, इसमें भी पक्का कुछ ना कुछ तो हो गई, देखते क्या है. ओके, और आई हैव द मोस्ट रैंडम थिंग्स, अ पेयर ऑफ इयर रिंग्स. ओके, दिस इज एक्चुअली वेरी क्यूट. तो बस ये कोने कोने में हर जगह थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, वाह, कुछ ना कुछ भरा हुआ है. तो बस ऐसा यू नो एकदम फुल्ली पैक्ड है मेरा बैग. एंड मम्मी का तो कुछ ज़्यादा ही है. बस दैट्स इट, दैट इज़ वॉट इज़ इन माई बैग. एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो जान के मेरे बैग में क्या क्या है, इतना सारा सामान मैं लेके जाती हूँ. बट कीप इन माइंड वी आर गोइंग देयर फॉर अ लॉट ऑफ डेज, तो उस हिसाब से ठीक है. मैं कुछ नो आएगी यार. सो पैकिंग करने में तो हमें इतना वो हो रहा था, मतलब सब रखने का मन कर रहा था, बट ऑफ कोर्स नहीं रख पाया. एंड एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मम्मी मेरे को हमेशा बोलती है मेरे पास बहुत सारे कपड़े. और जब हमने पैकिंग करी तो हमें एक भी नया टैग लगा हुआ कपड़ा नहीं मिला. तो है
अच्छा मतलब फिर भी पर एक ही टैग लगा हुआ कपड़ा मिला डंगरी में भी लगा दो है तो हम जहाँ जा रहे हैं हम वहाँ से शॉपिंग करेंगे घूमेंगे मस्ती करेंगे विल एक्सप्लोर द प्लेस बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खाएंगे तो वो सब आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में और लोकेशन रिवील भी तभी होगी आप लोग अभी गेस करके बताइए थोड़े बहुत आई थिंक स्पॉयलर्स तो मैंने दे ही दिए तो या यस एंड दिस इज़ व्हाट वाज इन माय बैग एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो देयर विद मम्मा तो आई सी यू ऑल माय नेक्स्ट व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर स्टे सेफ स्टे हैप्पी स्प्रेड पॉजिटिविटी आई सी यू ऑल माय नेक्स्ट व्लॉग लव यू ऑल बाय अरे बहुत सामान है आप तो हाथ हाथ दर्द हो जाएगा आपका किया स्टार्ट सिनेमैटिक में तो नहीं बनाना स्टार्ट किया कुछ ज्यादा ही ले आए क्या हम और अरे सिनेमैटिक और जल्दी जल्दी ले लेंगे नॉर्मल कर हाँ आप रबर बैंड काउंट करना कितने ये पीछे का नहीं वाला बांध देना चलो अब हैंडिंग ओवर इट टू मम्मा